गुड मॉर्निंग एवरीवन, ग्रेड 8, सी द चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 82, एक्सरसाइज नंबर 3, कंप्लीटे आवेक ला एक्सप्रेशन आवेक अववार. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ अववार वर्ब. सो अर्लियर आई टोल्ड यू यू हैव टू लर्न द अववार वर्ब, देन यू कैन कॉन्जुगेट द वर्ब इजली. सो फर्स्ट वन इज ए पार्ट, से ला आर द्यू देजा इला फा. ओके, इट्स अ लंच टाइम एंड इला फा ही इज हंग्री. ओके, इट्स अ लंच टाइम एंड ही इज हंग्री. सो फा इज हंग्री. ओके, बी पार्ट, एला बोकू मोंजे एल आ माल आ लेस्तोमा. ओके, शी एट अ लॉट. ओके, बोकू इज अलॉट. ओके, एंड एल आ माल आ लेस्तोमा. ओके, एस्टोमक स्टमक. ओके, शी इज हैविंग स्टमक एक. सो सी पार्ट, इल नीज इट्स नोइंग नूजावो फ्वा. ओके, वी फील कोल्ड. ओके, नूजावो फ्वा, इट्स कोल्ड और वी फील कोल्ड. डी पार्ट, द ल वोंती वोंती लातर न मार्श पा. वोंती लातर इज योर वोंती लातर इज योर फैन. ओके, ल वोंती लातर न मार्श पा नू जावो शो. ओके, वी फील हॉट. ओके, शो इज फॉर हॉट वेदर. ओके, इल ई पार्ट, ज ओ यू नुई ब्लॉन्स. ओके, आई spent sleepless night, a mentno now je somai. Okay, I feel sleepy. Okay, je somai, I feel sleepy. F part, ila kur throw with, he ran very fast and ile fatigue. Okay, he tired. Ila fatigue. इला फातिगे. ओके, ही टायर्ड. जी पार्ट, इल ए तुजूर दवो ला ऑर्डिनेटर, ही इज ऑलवेज वर्किंग ऑन कंप्यूटर. सो इला सोमई, ही फील स्लीपी. और यू कैन से इल माल इला माल आला इक्स. ओके, आईज आर पेनिंग. ओके, बोथ कैन कम. सो एच पार्ट, इला ऑन द बो नोटे सो एफर. ओके, ही हैड नॉट डन लॉट्स ऑफ एफर्ट. इला दाला शॉन्स. ओके, ही इज लकी. ओके, ही हैज नॉट डन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फॉर ग्रेड, बट ही इज लकी. सो इला दाला शॉन्स, ही इज लकी, ही गॉट गुड ग्रेड लाइक दिस. ओके, इला दाला शॉन्स. ओके, now see the exercise 4, mette en present, put in or use present forms. Okay, this is passé composé given, so we have to change all this exercise in present form. See, the first one is a part, il sa couche a these are. Okay, the answer is il sa couche a these are, he goes to bed 10 o'clock. सेकेंड, वू व्रू प्रोमेने दाला जार्दा. ओके, यू वॉक इन द गार्डन. वू व्रू प्रोमेने, दिस इज इरेगुलर वर्ब्स. ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस वन, देर इज नो फॉर्मूला. सो वू यू वॉक इन द गार्डन. देन सी पार, नू जावो फिनी ल थ्रवाई. नू जालो, this is your C part. Then answer is nu finishon la travai, we finish the work. Then D part, il vient de Nice, he comes from Nice. Okay, Nice is a place, okay, in France. Okay, near the Switzerland. Okay, Nice is a place. Okay, il vient de Nice, he comes from Nice. Okay, vous partez à 9 heures. E part, vous partez à 9 heures. Okay, so
यू लीव एट 9 o'clock. वो पार्थ इज टू लीव एट 9 o'clock. आ नफर ओके. एंड एफ पार्ट लत्रा आर एते सी द ट्रेन कम्स हेयर ओके. और लत्रा आर एते सी द ट्रेन स्टॉप हियर ओके. सो बोथ कैन कम द ट्रेन स्टॉप हियर. आर एते इज फॉर स्टॉप ओके. पॉल जी पार्ट पॉल रस्वा ला लेटर ओके. पॉल रिसीव द लेटर ओके. एंड एच पार्ट इज जो वो लातूर आई सी द टावर ओके. डू वन थिंग दिस स्पेलिंग इज जे वी ओ आई एस ओके. वी ओ आई एस विल कम ओके. डू दिस करेक्शन ओके. वी ओ आई एस ओके. ज वी ओ आई एस लातूर ओके. सो प्लीज डू दिस वन वी ओ आई एस ओके. देन सी द एक्सरसाइज 5 कॉम्प्लेटे ले फ्राज सुमो आवेकला वर्ब की एक्सपेरिमो ला ओब्लिगाशियो ओके. कंप्लीट विद द सेंटेंस. विच वन सेंटेंस इट इज दी सेंटेंस गिवन इन पेज नंबर 76 and 77 ओके. दीज आर द ओब्लिगाशियो ला फॉर निसेसिटी और फॉर नीड और ओके और कंपल्शन ओके. दीज वर्ड्स वी विल यूज. So first one is A part on doit réviser la français tous les jours. Okay. So we must revise French all the days. B part il faut travailler dur. It's necessary to work hard. Okay. All the words see the page number 76 and 77 okay. You can see these all the obligation verbs expressions. So C part nous devons boire beaucoup de eau okay. We must drink a lot of water and the word is EAU ending is EAU. It means water okay. D part il doit lire beaucoup pour parler une langue couramment okay. He must to read a lot to speak a language fluently okay. He must to read a lot to speak a language fluently on and you can say he has to read all these okay. Then E part il ne faut pas jeter le papier sur la planche. Don't throw papers on the floor. Don't throw papers on the floor. So here these three exercises completed. So next lecture we will do other exercises okay. And learn page number 76 and 77. See the these all 5 steps okay. The var verb also given and meanings also given. So you can see and there are 3 meanings we will use in 3 expressions. Express compulsion, necessity and need okay. So read this one and write and learn page number 82 exercise 3, 4 and 5 okay. Rest of the work we will do next lecture okay. Thank you. Take care everyone.